जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हाय, मैं हूं संगीता कृष्णन। जागरण जोश के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस हफ्ते के 5 टॉप हेडलाइंस पर, फिर उन्हीं में से एक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कतर ने सऊदी से तनाव के बीच की ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा, खुद का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एयर्स में आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का हुआ समापन। भारत को वर्ष 2022 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्राप्त हुई। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए भाषा संगम परियोजना आरंभ। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सुनील अरोड़ा ने संभाला 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद। 2019 लोकसभा चुनाव की होगी जिम्मेदारी। सबसे पहले ये जानते हैं कि ओपेक क्या होता है। ओपेक की स्थापना 1960 में 5 प्रमुख तेल उत्पादक देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। ओपेक तेल निर्यात करने वाले 15 देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय वियना में है। ओपेक अपने सदस्य राष्ट्रों के तेल मंत्रियों के बीच नियमित बैठकें आयोजित करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एलएनजी का निर्यात करने वाला देश कतर अगले वर्ष तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से बाहर निकल जाएगा। कतर के एनर्जी मिनिस्टर साद अल-काबी ने इसकी पुष्टि देते हुए कहा कि उनका देश अब गैस उत्पादन पर ध्यान देगा, इसीलिए ये तेल उत्पादकों के समूह को छोड़ने का फैसला लिया गया है। कतर ओपेक के गठन के एक वर्ष बाद ही 1961 से इसका सदस्य बन गया था। ये पहला मौका है जब 1960 में ओपेक के गठन के बाद किसी पश्चिमी एशियाई देश ने इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र जैसे पड़ोसी देशों के साथ कतर का कूटनीतिक संबंध लगातार बिगड़ता जा रहा है। दरअसल इन देशों ने आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में कतर पर पिछले जून से व्यापारिक और आवाजाही जैसी गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। लेकिन कतर ने ये साफ कहा है कि ओपेक छोड़ने का फैसला किसी राजनीतिक दबाव में नहीं लिया गया है। कतर ने कहा है कि वे कच्चा तेल का उत्पादन जारी रखेगा, लेकिन वे गैस उत्पादन पे अधिक ध्यान देगा। कतर का तेल उत्पादन 6 लाख बीपीडी है, जो कि काफी कम है, लेकिन वे दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ओपेक के 15 सदस्यों में से कतर तेल उत्पादन में 11वें स्थान पर है और इक्वाडोर, कॉन्गो, गुबान और इक्वेटोरियल गिनी के बाद 5वां सबसे छोटा उत्पादक है। कतर के ब्लॉक से वापसी से तेल की कीमतों और बाजारों पर सीमित असर पड़ेगा, क्योंकि प्रमुख तेल उत्पादक देश मांग और आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं कि इस फैसले से भारत पर असर क्या होगा। कतर ओपेक से जब बाहर आ जाएगा तो उस पर ओपेक की नियमों की बाध्यता नहीं रहेगी। कतर ओपन मार्केट में आ जाएगा। ऐसे में वह भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट पर फोकस कर पाएगा, जहां पर क्रूड और नेचुरल गैस की खपत सबसे ज्यादा है। यदि कतर ऐसा करता है तो दूसरे एनर्जी प्रोड्यूसर्स भी इस राह पर चल सकते हैं। इससे मार्केट में नेचुरल गैस का एक दूसरा ऑप्शन होगा। नेचुरल गैस क्रूड से सस्ता होता है। ऐसे में भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि वह इकोनॉमी को क्रूड के बजाय नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट करें, जो कि काफी हद तक भारत में शुरू हो चुका है। नेचुरल गैस का भाव अभी $4 प्रति MMBTU है, वहीं ब्रेंट क्रूड का भाव $62 प्रति बैरल पर है। भारत से कतर के संबंध अच्छे रहते हैं तो वह क्रूड की बजाय सीधे नेचुरल गैस कम कीमत पर खरीद सकेगा, यानी भारत की एनर्जी पर निर्भरता क्रूड से नेचुरल गैस पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हम इस हफ्ते के करंट अफेयर्स वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट को www.jagranjosh.com और डाउनलोड करें जागरण जोश करंट अफेयर्स ऐप को।